मैं जल्दी जल्दी कर दो। यहाँ रहे अपने दूसरे भाई साथ में। तो शकील भाई आज कहाँ जा रहे हो? जी मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, और आपकी गाड़ी ना एक बार मेरे साथ महाराष्ट्र गई थी, लेकिन आप उस टाइम थे नहीं। आज मिल गए ना? हाँ, मेरा छोटा भाई आपके भैया। है गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे, और मैं हूं आप सबका दोस्त शकील। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं बानिहाल, जो कि टोल टैक्स क्रॉस करके आ गए हैं। तो अपनी गाड़ी यहां पे राशिद भाई चला रहे हैं गाड़ी, और यहां पे ना आप देख सकते हैं, मतलब यहां पे हर हमेशा जाम ही रहता है, क्योंकि आगे बानिहाल मार्केट होती है, उसकी वजह से बहुत सारा जाम रहता है। और ये अपनी दूसरी गाड़ी यहाँ पे दोस्त की है, आगे भी चल रहे हैं, और ये पीछे हमारी गाड़ी है बैक साइड। जाम में लगे हैं तो खाना वगैरह खा लिया, तो तकरीबन दिन के बज के दो। मैंने सोचा भाई चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो चलो भाई जुड़े रहो वीडियो में, मिलते हैं हम आपको आगे जा के देखते हैं। तो मिले हमको यहाँ पे तनवीर भाई, जो कि तनवीर भाई आपका माल कहाँ का है? कलकत्ता का। तो तनवीर भाई को काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ, और तनवीर भाई अभी यहाँ पर अचानक से मिल गए, और अपनी गाड़ी पीछे है और तनवीर भाई आगे आगे चल रहे हैं। तो लगे हैं जाम में। तो कर लिया भाई हमने बानिहाल क्रॉस, और लग गए यहाँ से फिर से जाम दोबारा। और वो वाली रोड देखने ना, वहाँ से होके हम आए अभी। आगे ना फिर से जाम लगा है भाई, पता नहीं क्या चक्कर है, वजह क्या है ट्रैफिक जाम की। अभी चल रहे हैं खान भाई पैदल, की वजह से जाम लगा रहता है। देखो भाई अब क्या करेंगे, हमको भी इनके पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा ना, जब तक ये पूरा क्रॉस नहीं होते हैं। अरे भाई चलो यार, हमको छोड़ो ना, वहाँ से गाड़ी आ रही है, अगर मैं ओवरटेक करूँ तो नहीं जा पाऊँगा। गाड़ी आ रही है ना, और है भी ऊपर से हिल एरिया है। गाड़ी आ गई भाई, कहाँ जाए देखना भाई, कहाँ भाई। रात के 11 बज गए, खाते हैं अभी हम खाना, और मैं खा रहा हूँ अभी खाना स्टेयरिंग पे ही बैठ कर, राशिद भाई भी खा रहे हैं, और एजाज भाई, क्या नाम है भाई, नज़ाकत भाई भी खा रहे हैं खाना। तो लगा है यहाँ पे जाम, थोड़ा यहाँ पे जाम है ना, ट्रैफिक जाम। फाइनली दोस्तों सुबह के बज गए 8:30, तो पहुँच गए हम सरहंद, पंजाब सरहंद। तो जी यहाँ पे भाई ट्रक वगैरह जो बॉडी होती है ना गाड़ी की, वो सब कुछ बनती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर कैसी गाड़ियाँ बनती है, अगर कोई गाड़ी लगी होगी तो। हमें थोड़ा यहाँ पे काम था, इसलिए 10 मिनट के लिए रुक गए, क्योंकि डीजल टैंकी में जो मोटर लगा है ना डीज़ल सप्लाई के लिए, वो ख़राब हो गई थी, तो वो अभी मंगवानी है दूसरे भाई से, और वो लगा के यहाँ से निकलते हैं फिर जल्दी जल्दी। हैदराबाद का सफ़र हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो अभी फ्रेश वगैरह भी नहीं हो रहा है, सिर्फ भाई नाइट में गाड़ी चलाते रहे, मैं सोया हुआ था। चलो होते हैं अभी फ्रेश। तो भाई आज बना रहे हैं अभी अपना नेम प्लेट, जैसे कंप्लीट होगा तो पूरा दिखाएंगे। ये भाई लोग यहाँ पे बना रहे हैं, और अनवर भाई भी वहाँ बैठे हैं। भाई लेके बन गए मेरी नेम प्लेट, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, देखिए भाई सब्सक्राइब शकील व्लॉग्स, और ये मतलब यहाँ पे एक सॉरी यार, खुशी से ना गिर गया। अभी ये यहाँ पे बंद होगा, मतलब ऐसे चिपके गए, एक वहाँ पे लगेगी एक यहाँ पे। तो भाई मैंने देखो आपने यहाँ लगवाया, और यहाँ पे ना ये देखो बल्ब जो है ना ये ख़राब हो गया था, ये भी नए से मैंने बनवा के लगवाया, और जो ये इस पर भी थोड़ी टाइपिंग करवाई, ये भी पिछली बार नया लगवाया,
तो यहाँ पर भी अच्छा वाला, और वो ऊपर देख सकते हैं आप वो वाला बोर्ड भी बनाया। और आगे भाई मैंने यहाँ से राजा भाई को देखा चलते हुए, राजा रमीज़ को देखा यहाँ से चलते हुए, तो उसको भी मैं अभी मिलता हूँ यार, उसके साथ वीडियो बनाऊँगा मैं अभी जाके। तो भाई को यार बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है यार, दिल के बहुत अच्छे है यार। यहाँ रहे अपने दूसरे भाई साथ में, तो शकील भाई आज कहाँ जा रहे हो? जी मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, और आपकी गाड़ी ना एक बार मेरे साथ महाराष्ट्र गई थी, लेकिन आप उस टाइम थे नहीं। आज मिल गए ना? हाँ, मेरा छोटा भाई आपके मतलब ये व्लॉग काफी देखता है, उसने पहचान लिया आपकी गाड़ी और बोलने लगा यार राजा भाई की गाड़ी, राजा भाई कहाँ, तो आप थे नहीं, तो चलो आपकी गाड़ी के साथ साथ गए, बहुत मजा आया उस टाइम भी। तो चलो आज आप पहली दफा हमें मिले तो बहुत अच्छे लगे हमें, मुझे अच्छा लगा अपने भाई से मिल के। तो भाई जा रहे हैं आज हैदराबाद, चलो लक की बात है, नेक्स्ट चक्कर में और शकील भाई इकट्ठे जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, तो भाई का माल है भाई, इधर का है क्या होते हैं बंगाल साइड का है। पहली बार जा रहा हूँ शकील भाई, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर बंदे हो के डरने से नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, एक्चुअली अकेला गाड़ियाँ दो तो हैं साथ, हम देखते हैं क्या सफर कैसा, मैं और आप होते मज़ा आता। हाँ तो अच्छा लगता है शकील भाई से मिले तो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहीं चलो थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर नहीं रुकेंगे बाइक के। अभी हम पंजाब सरहंद में रुके हैं, तो राजा भाई आप कितने बजे निकलोगे? 4:05। 4:05 तक मैं अभी से ही निकलता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम है माल का, मुझे काफ़ी दौड़ना है। तो कहीं चलो अपने भाई से करते हैं बातें थोड़ी बहुत, उसके बाद बाइक निकलेंगे, बाइक निकलेंगे अंदर जहाँ, तो हम भी निकलेंगे थोड़ी देर बाद। चलो राजा भाई चलते हैं फिर, अब मिलेंगे फिर से। तो मेरे भाई को दबा के सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर जितना करना है कर लो यार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, रियल लाइफ हमारा मकसद यही होता है ब्लॉग बनाने का, कि आप लोगों को दिखाया जाए हमारी लाइफ कितनी स्ट्रगल की है, क्या है, जैसा भी है। तो शकील भाई चलो मिलेंगे फिर, रब पिछली बार भी आपकी गाड़ी आई थी लेकिन आप मिले नहीं उस टाइम। हाँ मुझे पता, मैंने देखी थी पूरी वीडियो, मैंने वीडियो बनाई थी आपकी गाड़ी की, तो चलो मिलेंगे हम फिर से अभी, पक्का जरूर अगले चक्कर इंशाल्लाह हम इकट्ठे भरेंगे गाड़ी। हाँ जरूर, अभी तब तक वहाँ से वापस आ जाओगे, मैं भी वापस आ जाऊँगा, और फोन पे रब्ता रहेगा ना हमारा, तो साउथ लाइन जाएंगे या कलकत्ता ही जाएंगे, देखते हैं। आप इधर की पोजीशन बताना, मैं इधर की बताऊँगा, तो उस हिसाब से जाएंगे। ठीक चलो ठीक है, तो शकील भाई मिलेंगे, ठीक है गाइज मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में भाई के साथ, नेक्स्ट ट्रिप भाई के साथ। तो मुझे अच्छा लगा शकील भाई, ऐसे रहो हमेशा, बदलना नहीं कभी, नहीं। भाई तो भाई ये रही राजे भाई की गाड़ी, राजा रमीज, और भाई मार रहे हैं कपड़ा, इसको तो आप जानते हैं आओगे, इसको आपने देखा था पिछले ब्लॉग में जब ये हमारे साथ था उधर महाराष्ट्र में। और राजे भाई का माल है ना बहुत हाइट वाला माल भरा है, 1100 पेटी है, देखो ये दोनों गाड़ियां इकट्ठी जाएंगी कोलकाता, और मेरा हैदराबाद का, मैं निकलता हूँ यहाँ से जल्दी जल्दी अब। ओके इंशाल्लाह अगला चक्कर साथ में भरेंगे फिर, हैं बाय 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 बाय। तो चले हम राजा भाई को छोड़ के निकल रहे हैं अभी, तो ये रहे राजा भाई की गाड़ी भाई। राजा भाई से अलविदा होके हम निकल आए थे, पहुंच के हम अंबाला, अभी चल रहे हैं हम अंबाला सिटी में, और यहाँ का व्यू देख लीजिए आप, कितना मस्त व्यू है, देखो भाई यहाँ बहुत बड़ी बड़ी होटलें वगैरह, और यहाँ सेंटर वाले में मतलब लाइटिंग वगैरह सिस्टम अच्छा लग रहा है। चल रहे हैं अभी भाई 4 बज के दिन के, तो चलेंगे कंटिन्यू आज के बाद, तो हमारा कंटिन्यू वहाँ पर होगा, तो सफर होते हैं हम वहाँ पर एंटिंग होगा, चलो चुके फाइनली दोस्तों। रात के 8:15 बज चुके हैं, तो अभी जैसे कि सोनीपत से एक्सप्रेस पे चढ़ते हैं, जो कि दिल्ली के दाएं मतलब आसपास में जो एक्सप्रेस रोड बनी हुई है, तो उस एक्सप्रेस पे हम चढ़ गए, तो आगे मतलब आगे पलवल जाके हम इस एक्सप्रेस से डाउन हो जाएंगे। तो भाई अभी चल रहे हैं हम कंटिन्यू, तो अभी राशिद भाई यहाँ पे पीछे नज़र मार रहे हैं, यहाँ पर अपनी गाड़ी लगी है साइड में, अपनी लाइटिंग वगैरह, और आपको मैं दिखाऊँगा कि आज दिन का हमने क्या क्या काम किया, मतलब ये टेपिंग वगैरह, इसको मैंने टेपिंग लगाई, तो जैसे कि ये नाम वगैरह लिखवा दिया यहाँ पे, ये देखो शकील बोला, तो दूसरा बोर्ड है ना यहाँ पे, ये देखो भाई, तो
और भी क्या किया था यार, और तो उधर जो वाला उन्होंने नाम को देख सकते हो छोटे मोटे काम और भी किए, तो वैसे कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखो, आप देख सकते हैं मतलब कितनी अच्छी रोड है यार। मैं तो सोचता हूँ ऐसी रोडें हुए ना हर जगह, तो फिर मज़ा भी आता है चलने में। हमारे जे एंड के में तो यार चलो दोस्तों, इसके साथ में आज का ब्लॉग करते हैं। आपको अपने ब्लॉग में